भाभी जी, मैं चेतन का फ्रेंड बोल रहा हूँ। क्या हुआ है भाभी जी? मेरे मम्मी पापा को जिस दिन आना था उस दिन ही इस आदमी को काम आना था। एक उल्टे हाथ का, अगर आप इसको कह दो ना कि पड़ गया तुझे चेतन। आप बकवास करना बंद करेंगे? मेरे पति हैं वो, आप कौन होते उनके बारे में बोलने वाले? एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में लड़ाई ना हो, ये पॉसिबल नहीं हो सकता ना। लेकिन लड़ाई कैसी और किस तरह की और उसको सॉल्व कैसे कराए? अब ये मैडम है अपने हस्बैंड से नाराज है। हेलो भाभी जी। कौन? भाभी जी, मैं चेतन का फ्रेंड बोल रहा हूँ। अभी मैं बात अच्छा बात कर सकता हूँ आपसे? बोलिए। क्या हुआ है भाभी जी? वो भी उदास उदास। मैंने कहा दोस्त की परेशानी नहीं देखी जा रही, मैंने कहा फिर भी भाभी तो भाभी हैं। क्या हो गया? बताया नहीं उसने? नहीं बताया था इनडायरेक्टली, मैंने कहा आपसे पूछ लूं मैं। हुआ क्या है? नहीं, अपने दोस्त से पूछिए, हमें तो उसने कुछ बताना नहीं होता, दूसरों को ही बताते फिरते हैं। नहीं, वो बात सही है। आप फिर भी बताइए ना भाभी, मैं मतलब उसकी भी गलती मान रहा हूँ। क्या हुआ क्या है? इस आदमी को ये नहीं पता कि जिंदगी चलाई कैसे जाती है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, दोस्तों के साथ रोज निकल पड़ते हैं। दिमाग ठिकाने आ जाएगा, बता रहा हूँ मैं जी। ये आप उसको बोलना, ये बोलना उसको कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या था? उसे जरा सा बोल दो कि फैमिली के साथ रह लिया करो, दो लम्हे बिता लिया करो, चिढ़ मत गई। गुस्सा दिखा दिया ना, अगर गुस्सा दिखा दिया अगर जी, ये आप उसको बोलिए, यही बोलो आप उसको कि अगर गुस्सा दिखा दिया ना मैंने तो पता चलेगा आप सही कह रही हैं जी। फिर अब देखिए, फैमिली ग्रुप बनाया हुआ है मैंने, 100 लोग चीजें डालते रहेंगे, बात नहीं होती है, वो लोग चीजें रहेंगे उनपे लाफिंग इमोजी ले रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन बीवी एक चीज डाल दे उस पर कोई रिएक्शन नहीं है, सिर्फ बुत बन के बैठे हैं। ये बोलो आप उसको जब आपके सामने होकर चुप बैठे रहो। चेतन बिल्कुल चुप करा दो। अच्छा, फिर बताइए मुझे, आप अपनी बहनों के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं, वो फोन करती रहती हैं, वो बुलाती रहती हैं, दो बजे उठ के चले जाते हैं। मेरे मम्मी पापा को जिस दिन आना था उस दिन ही इस आदमी को काम आना था। एक उल्टे हाथ का, अगर आप इसको कह दो ना कि पड़ गया तुझे चेतन तो पता चलेगा, ये बोलना आप उसको, एक उल्टे हाथ का पड़ेगा। आप बकवास करना बंद करेंगे? क्यों? मेरे पति हैं वो है? आप कौन होते उनके बारे में बोलने वाले? नहीं तो वो गलती कर रहा है ना। हाँ तो मैं बोल, अच्छा ठीक है, फिर करो आपस में मोहब्बत, यही मैं चाह रहा था। हाँ तो यही तो मैं चाहता था, प्यार कर लो, ठीक है, आप निकल गया प्यार, ये रखना इसको बरकरार, फिर मत कर देना मुझसे, ठीक है? ठीक है, मैं देख लिया, मुझे लगा